हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग लवर में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्यूटीफुल से लटकन बनाने। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने जो कपड़ा कट किया हुआ है, तो इसकी लंबाई जो है वो भी 4.5 इंच है और चौड़ाई भी 4.5 इंच है। तो इसके मैंने ये देखिए दो रेड पीस और दो ग्रीन पीस कट किए हैं। ये चारों हमारे बराबर के हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके यहाँ पे हम सेंटर में एक कट लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कट लगा लिया। अब इसके बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसको हम चारों तरफ से सिल लेंगे। चारों कॉर्नर से सिलाई बराबर से इस तरह से हमें मार लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें चारों कॉर्नर पे सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ये देखिए, इस तरह से हमें चारों कॉर्नर पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से ये देखिए, जो सेंटर में मैंने कट लगाया हुआ था, यहीं से हमें कपड़े को खींच लेना है इस तरह से। ये देखिए, जो हमारा ग्रीन वाला कपड़ा है, इसको इस तरह से हमें खींचना है और इसको बाहर की तरफ निकाल के इसको सीधा कर लेना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब ये देखिए, इसको हमें सुई की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से, आप लकड़ी की मदद से भी इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो कॉर्नर है, इसको हमें इस तरह से बराबर से सीधे कर लेने हैं। चारों कॉर्नर पे हमें इस तरह से कपड़े को बाहर से बराबर कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम कर लेंगे। ये देखिए, मेरा ये बराबर हो गया। अब इसमें इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चार निशान हमने लगा लिए हैं बराबर के। अब ये देखिए, निशान लगाने के बाद इस तरह से हमें दो कॉर्नर को पकड़ना है और इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है कपड़े को। ये देखिए, और ये जो हमारा ट्रायंगल शेप में निशान आ गया है, इसको हमें इसी ट्रायंगल शेप में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें लगा के और इधर इस तरह से मोड़ के इधर भी हमें उसी निशान पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमारा ये जो सेंटर का ट्रायंगल बना हुआ था, इसको इस तरह से खोल लेना है और इसको हमें इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बराबर से हमें फोल्ड कर लेना है। और ये देखिए, हमने सुई लिया है और सुई में धागा डाल लें और यहाँ पे ये देखिए, एक इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये देखिए, हमने मोती लिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम मोती भी लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पे हमें मोती भी लगा लेने हैं। आप मोती नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ना भी लगाइए। मोती लगाने से फ्रेंड्स, हमारा लुक थोड़ा सा और अच्छा इसमें दिखने लगता है। तो ये देखिए, इसमें हमने यहाँ पे 3 मोती लगाए हैं। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे और हम धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको बना लिया है इसी तरह से। और ये देखिए, हमने ये डोरी ली है और डोरी में भी हमने 2 मोती डाल लिए हैं पहले ही। अब यहाँ पे इसमें हम डोरी अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमें यहाँ इसमें डोरी अटैच कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए अपना इस तरह से हम रखेंगे। इसके ऊपर हम डोरी को भी रख लेंगे और यहाँ पर हम 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार सिलाई हमने लगा ली और इस तरह से मोड़ के एक बार और सिलाई हम लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें लगा लेनी है और इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके बाद ये देखिए, मैंने 2 पीस और लिए हैं। तो ये जो हमारा छोटा वाला है, इसकी लंबाई है 3.5 इंच और चौड़ाई भी 3.5 इंच है। और जो हमारा नीचे वाला पीस है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 4 इंच का है, 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो
इसको हम इस तरह से बराबर से रखेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, और इसको हम इस तरह से सेंटर से इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमें इसमें सेंटर में कट लगा लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये दो कट के रेडी हो गए हैं, ये हमारे दोनों लटकन में काम आ जाएंगे। तो देखिए, इसको यहाँ से हमें सेंटर से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये देखिए, इसमें मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसको क्या करना है, इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हमें दोनों पार्ट बराबर के कर लेने हैं। और नीचे हमें ये देखिए, हमारी थोड़ी सी ग्रीन पाइपिंग भी बन गई है। और यहाँ पे हमें साइड में इसमें सिलाई लगा लेनी है, ये देखिए इस तरह से दोनों पीस बराबर करके हमें साइड से सिल लेना है दोनों को एक में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने सिल लिया है। और ये जो कॉर्नर हमारे निकले हुए हैं, इनको हम दोनों तरफ से साइड से कट कर देंगे। अब ये देखिए, जो हमने डोरी अटैच करी थी तो ऊपर हमारे इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं आई थी, तो उसको छिपाने के लिए हम इसको ऊपर से अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसको रखेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर डोरी में हम गैप छोड़ेंगे और बाकी वहाँ से हमें अटैच करके इस तरह से रखना है। और इस पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है, ये देखिए इस तरह से। और इस पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर मैंने डबल सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से इस पर सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने सीधा कर लिया है। और ये जो हमारे चार कॉर्नर निकले हुए हैं इसमें डोरी में, आप चाहें तो इस पर भी मोती लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं मोती लगाऊंगी, तो इसके लिए मैंने ये देखिए सुई धागा ले लिया है और इस तरह से हम इसमें मोती लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने मोती ले लिए हैं, अब इसमें हम लगाएंगे। आप अपने चॉइस के भी मोती इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीन तीन मोती लिए हुए हैं, इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऊपर से एक बार और सुई निकालेंगे और इसको हम डबल करके इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हम इसमें हम नीचे नॉट लगा लेंगे और धागे को हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बाकी के बचे जो तीन कॉर्नर हैं इसमें भी हमें इसी तरह से मोती लगा लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने दूसरा वाला भी बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। और इसमें हमने ऊपर मोती भी लगाए हुए हैं, वो मैंने ग्रीन कलर के मोती लिए हुए थे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो गाइज मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।